तो बताइए कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है ट्यूसडे और कल की बारिश कल ही ख़त्म हो गई थी, तो आज ना तो बारिश के आसार थे और ना ही कोई सीन था ऐसा कि बारिश होगी, और बादल भी छट गए थे। तो आज मैंने फिर मशीन लगा ली है ताकि जो कपड़े पड़े हुए हैं तो मैं उनको वॉश कर सकूं। और मशीन तो मैंने कल ही लगानी थी, लेकिन कल मौसम खराब हो गया था, खूब छमछम बारिश हुई थी, और कल की बारिश देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 2-3 दिन मुसलसल ऐसी ही बारिश रहेगी, लेकिन कल की बारिश तो कल ही खत्म हो गई है और आज तो कोई आसार नजर ही नहीं आ रहे थे। तो मशीन तो मैंने लगा ली है, साथ ही मैं क्लीनिंग का काम भी करती जाऊंगी। तो साथ साथ ही कामों को करते जाएं तो इस तरह से इंसान रिलैक्स भी रहता है और सारे काम एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जितनी देर में कपड़े धुलेंगे उतनी देर में तो मैंने फ्री ही होना था, तो इसलिए मैं क्लीनिंग का काम साथ ही कर रही हूँ। और कल कुछ ऐसा हुआ था कि बारिश की वजह से सारा दिन हमारी लाइट ही नहीं आई थी, जिसकी वजह से कल मैं क्लीनिंग का काम नहीं कर सकी, क्योंकि सारे घर में ही अंधेरा था तो क्लीनिंग का काम नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से आज काफी ज्यादा क्लटर हो रहा था और काफी ज्यादा गंद भी हो गया था। तो अब जल्दी से मैं मोप लगा दूंगी। मैं साथ ही स्पिन मॉप से पोचा भी लगा दूंगी, तो इसके जरिए काम करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है और अब मुझे क्लीनिंग का काम करना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। जब मेरी हाउस हेल्पर गई थी तो ऐसे लगता था जैसे मैं क्लीनिंग का काम कर ही नहीं सकूंगी, क्योंकि घर बड़ा है तो अकेले काम करना मुश्किल हो जाता है। और अब मुसलसल 2 मंथ्स हो गए हैं जब मैं अकेले ही क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, तो अब काम करना भी ईजी ही लगता है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं होती, और काम मैं अब जल्दी से ही कर लेती हूँ। पढ़ाई का सिस्टम कुछ ऐसे हो गया है कि सारी चीजें अब ऑनलाइन ही बच्चों को करना होती हैं, और टीचर स्लाइड्स भेज देती हैं और उसके जरिए ही बच्चे अपना काम कंप्लीट करते हैं। तो जिन्होंने तो काम करना होता है वो कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं मुर्तजा की तरह जो पढ़ाई के टाइम पे भी खेलों में मसरूफ रहते हैं। तो यहाँ पे भी मुर्तजा अपने नानों के साथ खेलों में मसरूफ है, तो इसको लूडो खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, और जब भी वो कोई फ्री टाइम देखता है तो जल्दी से नानों को ही पकड़ता है और उनके साथ ही लूडो खेल लेता है। तो नानों के अलावा कोई और उसके हाथ भी नहीं आता, वो सबको ही कहता रहता है, लेकिन लास्ट में नानों ही उसके साथ लूडो खेलती हैं। क्लीनिंग का काम सारा कंप्लीट हो गया था और यहाँ पे मैंने कपड़ों को भी निथार लिया था, तो अब मैंने ड्राई होने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि आज हल्की हल्की हवा भी चल रही है तो हो सकता है कि कपड़े मेरे जल्दी ही सूख जाएं। लेफ्ट ओवर 4 दालों का सालन पड़ा हुआ था जिसको मैंने फ्रीज किया हुआ था, तो वही निकाल के हम लोगों ने गर्म किया और उसे ही खा लिया। और अब बच्चे मुझे मुसलसल तंग कर रहे थे कि हमने बर्गर शवारमा खाना है, क्योंकि कभी कभार ही उनका दिल करता है कि वो बर्गर शवारमा की जिद करती हैं। तो इसलिए मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि आज मूड हो रहा है कहीं बाहर जाने का, तो इसलिए मैं जल्दी से कपड़ों को प्रेस कर लूंगी। बच्चों का तो मन हो रहा था कि बर्गर और शवारमा वगैरह मंगवा के घर ही खा लेते हैं, लेकिन मैंने ही उन्हें कहा कि हम बाहर चलते हैं, क्योंकि इतने ही पैसे बर्गर और शवारमा पे भी लग जाने हैं तो बाहर से ही हम कोई चीज खाते हैं, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी से अब रेडी होने जा रहे हैं। और अगर घर में वेजिटेबल्स बनाई जाएं या दालें वगैरह पकाई जाएं तो बच्चे एक टाइम ही शौक से खाते हैं और दूसरा टाइम उन्हें खाना दुश्वार लगता है। और आजकल की सारी न्यू जनरेशन को चिकन खाना बहुत ही अच्छा लगता है, और अगर चिकन को 2 टाइम में भी उनको दे दिया जाए तो वो खुश होके खा लेते हैं।
तो यहाँ पे मेरे बच्चों का भी यही हाल है, उनको वेजिटेबल्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती दूसरे टाइम खाने में, और इस तरह से ही दालों के साथ भी वो करते हैं। एक टाइम में तो वो खुशी से खा लेते हैं, जबकि नेक्स्ट टाइम खाते हुए वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद करते हैं। तो इसलिए आज मैं उनको लेके बाहर जा रही हूँ, और वैसे भी काफ़ी दिनों से मूड हो रहा था, हम लोग कई दिन हो गए बाहर घूमने के लिए नहीं गए, तो ऐसे में आज बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था कि कहीं बाहर जाएं और थोड़ी सी आउटिंग हो जाए, क्योंकि आउटिंग भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इससे माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है और एनर्जी भी मिलती है, और छोटे बच्चों के लिए तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि घर रह के वो भी बोर से हो गए हैं। रोज़ाना एक तरह की रूटीन जो चलती रहती है, इसमें इंसान बोर ही हो जाता है, क्योंकि नई एक्टिविटी कोई भी नहीं है, और कोविड ने तो सबको घरों तक ही महदूद करके रख दिया है। तो आज काफ़ी अरसे के बाद घूमने का प्लान बना है, तो देखिए आज हम किधर जाते हैं। वैसे तो अभी जस्ट मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, और अभी कहीं भी डिसाइड नहीं हुआ कि हमने किधर जाना है, लेकिन तैयारी करनी तो बनती ही है। तैयारी कर लेते हैं, फिर बाद में सोचेंगे कि कहाँ जा रहे हैं। कपड़े प्रेस करने के बाद मैं जल्दी से रेडी हो गई, और बच्चे तो मेरे रेडी होने से पहले ही तैयार हो गए थे, लेकिन चूंकि मैं आज कपड़े वॉश कर रही थी तो मैं स्लोली ही काम कर रही थी, तो इसलिए मुझे लेट हो गई है। और जब बच्चों ने अपनी कहीं मनपसंद जगह पे जाना होता है या आउटिंग के लिए जाना होता है, तो वो बड़ी जल्दी से रेडी हो जाते हैं, और अगर कहीं मैं उनको खुद से लेके जाऊँ तो उन्हें खुद से ही मुझे तैयार करना पड़ता है। तो ये फ़र्क होता है कि जब बच्चों ने अपनी मनपसंद जगह पे जाना हो या पेरेंट्स की मनपसंद जगह पे जाना हो, तो इसमें यही डिफरेंस होता है। और अब मैं तैयार हो गई थी, और बस हम घर से निकलने ही लगे हैं, तो मैं जल्दी से दरवाज़ों को लॉक लगा लूँगी, और यहाँ पे मुर्तज़ा भी रेडी है। और जब कहीं घूमने जाना होता है तो बच्चों का मूड बड़ा ही खुशगवार होता है, तो आज सारे ही बच्चे बड़े हैप्पी हैं, और बस अब हम लॉक लगाते हैं और अब हम निकलेंगे। और जैसे ही हम नीचे गाड़ी के पास पहुंचे तो बड़ा ही एक अजीब सा मसला हो गया, गाड़ी ना तो स्टार्ट हो रही थी और ना ही ऑन हो रही थी, और कुछ भी नहीं हो रहा था। गाड़ी को चाबी लगा कर ही मैंने ओपन किया, वैसे तो इसकी की बिल्कुल रिमोट की तरह है और इसको ऑन ऑफ ही करना पड़ता है, लेकिन आज तो गाड़ी मेरी ऑन ही नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, और मैं इतनी ज़्यादा टेंस हो गई थी और इतनी परेशान हो गई थी कि मैं बिल्कुल आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ा है। और जल्दी से कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैं बाहर से जा के एक मैकेनिक को बुला के लाई, तो उसने गाड़ी चेक की और काफ़ी देर तक वो गाड़ी देखता रहा, लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रही थी। कभी वो मुझे पूछ रहा था कि कोई यहाँ पे चूहे वगैरह तो नहीं है जो गाड़ी के अंदर चले गए हो और उन्होंने कोई तार कुतर ली हो, तो मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है, क्योंकि हम सेकंड फ्लोर में रहते हैं और गाड़ी तो नीचे ही खड़ी होती है, तो यहाँ पे अगर कोई चूहे वगैरह होंगे तो मुझे इस बात का इल्म नहीं है। तो मैंने उसको बिल्कुल इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कुछ है कि नहीं है, तो आप खुद ही चेक कर लें। और काफ़ी देर तक वो तकरीबन एक घंटा तक गाड़ी को चेक करते रहे, और लास्ट में काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार हमारी गाड़ी स्टार्ट हो ही गई, तो हमने शुक्र किया। इतने ज़्यादा सब लोग परेशान थे कि किसी का भी डिनर करने को जी ही नहीं चाह रहा था। वैसे तो आज मैंने कोई डिनर बनाया भी नहीं था, और बच्चों के लिए मैंने नूडल्स वगैरह ही रखे हुए थे, तो मैं उनको यही कह रही थी कि गाड़ी तो स्टार्ट हो नहीं रही तो आप नूडल्स वगैरह ही खा लें। लेकिन बच्चों का मूड भी इस कदर ऑफ था, पहले जाने के लिए वो इस कदर खुश थे कि बिल्कुल छलांगे लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी ख़राब हुई तो बच्चों का मूड एकदम से ऑफ हो गया और उनका दिल भी बुझ गया। तो मैंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार गाड़ी को ठीक करवा ही लिया है, और गाड़ी तो हमारी ठीक हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम लोग घर से निकल पड़े हैं, क्योंकि इस कदर ज़्यादा भूख लग रही है कि जिसका मैं बयान ही नहीं कर सकती। तो बस जी
जी अब हम लोग आगे हैं लक्ष्मी चौक पे बटकड़ा ही खाने के लिए, क्योंकि बच्चे तो चिकन ही शौक से खाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि लक्ष्मी चौक ही चलते हैं, वहाँ पे जाके बटकड़ा ही खा लेंगे। और यहाँ पे अम्मी को ऊपर हॉल में लेके जाना पड़ा तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अम्मी ज्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती और उनसे चढ़ा भी नहीं जाता, तो यहाँ पे उनको मैं स्लोली स्लोली लेके आती रही। और बस जी अब हम यहाँ पे मेन्यू कार्ड देख रहे हैं, तो पहले से ही हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम बटकड़ा ही खाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे थे कि कोई एक्स्ट्रा डिश भी होगी तो साथ में मंगवा लेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा इस वक्त भूख लगी हुई है कि दिल चाह रहा है कि पेट भर के खाना खाया जाए। और यहाँ पे बच्चे कबाब का भी कह रहे थे, लेकिन फिर बाद में हमने डिसाइड किया कि सिर्फ बटकड़ा ही मंगवाते हैं, वरना इसका भी टेस्ट खराब हो जाएगा अगर साथ में हम कोई और चीज़ मंगवाएंगे। काफी बड़ा था और इसमें काफी ज्यादा चिलर भी लगे हुए थे, तो बैठ के काफी अच्छा लग रहा था। तो जितनी देर तक कढ़ाई नहीं आई उतनी देर तक हम गपशप ही करते रहे, क्योंकि घर में तो मूड इस कदर ज्यादा ऑफ हो गया था कि बिल्कुल भी एक दूसरे से बात करने को जी ही नहीं चाह रहा था, इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो अब हम लोग जब बाहर इंजॉयमेंट के लिए आए हैं तो अपने टाइम को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। आके बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बाहर वेदर तो काफी ड्राई था और काफी गर्मी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर काफी अच्छा था, काफी ज्यादा एसी लगे हुए थे जिसकी वजह से सारा ही हॉल ठंडा था, तो इसलिए काफी मजा आ रहा था। और गर्मियों में ऐसा होता है कि कहीं घूमने भी चले जाएं तो वापस आते हुए मूड काफी ऑफ हो जाता है, क्योंकि इस कदर गर्मी लग रही होती है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से मूड ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे बैठ के मूड इसलिए भी खुशगवार था क्योंकि सारा हॉल ठंडा था, तो बिल्कुल एसी में बैठ के बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, तो जिसकी वजह से हम लोग अपने टाइम को भरपूर इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे सब लोग ही बहुत ज्यादा खुश हैं माशाल्लाह से। कढ़ाई बन के आ गई है, तो देखिए ये देखने में ही कितनी मजे की लग रही है, और बट कढ़ाई तो खाने में बहुत ही मजे की होती है, और हमें इसे खा के इतना मजा आया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि ये किस कदर ज्यादा टेस्टी है। और मेरे बताने में और आपके सुनने में ही फर्क आ रहा है, वरना ये तो इस कदर ज्यादा मजे की है कि बयान से बाहर है। तो बस जी अब हम जल्दी से अपने डिनर को एंजॉय करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो हमारा हाल हो रहा है भूख की वजह से वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस जल्दी जल्दी से ही हम अपना डिनर कर रहे हैं। तो पहले तो कुछ ऐसा हुआ कि मैंने आधे नान मंगवा लिए और आधे हमने रोटियां मंगवा ली, क्योंकि रोटी भी खाने में अच्छी लगती है, लेकिन जब नान आए तो वो इतने मजे के थे, इतने गर्मा गर्म थे कि किसी ने भी रोटी को देखा ही नहीं और सारे ही नान खाने लगे। तो हमने ऐसे में रोटियां रिटर्न करवा दी और बाद में हमने नान ही मंगवाए, और ये नान खाने में इतने मजे के थे कि इनको मैं हाल ही सालन के बगैर भी खा रही थी, तो इतना ज्यादा मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था। आज के दिन में ही हमने खुशी भी देखी और गम भी देखा, तो जिंदगी ऐसे ही कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी खुशी देती है, कभी गम देती है, तो इन सब सूरत हाल से सब्र और शुक्र करके निकल आना ही बहादुरी है। तो बस जी डिनर हमारा हो गया था और लास्ट में आइसक्रीम खाए बगैर तो कैसे दिन पूरा होता, तो इसलिए हम चमन आइसक्रीम खाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि बच्चे पहले कभी भी चमन आइसक्रीम पे नहीं आए, तो उनके दिल में एक हसरत ही थी कि पता नहीं चमन आइसक्रीम किस तरह की होती है। तो अब मैं उन्हें लेके चमन आइसक्रीम पे आ गई हूँ और यहाँ पे सब ने अपनी मनपसंद आइसक्रीम ले ली है, तो बस आइसक्रीम खाते साथ ही हम लोग घर की तरफ वापस निकलेंगे। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग।